नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी होम पर। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड टेट का 2017 का सॉल्व पेपर डिस्कस करेंगे, जो कि हुआ था 22 जनवरी 2017 को। दोस्तों, अगर आप यूपी टेट, सी टेट या अन्य किसी राज्य की टेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। और इस वीडियो में आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, हिंदी और पर्यावरणीय अध्ययन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से। पहला क्वेश्चन है, वह अधिनियम जो अक्षम व्यक्तियों से संबंधित है। आंसर है PWD अधिनियम 1995। दूसरा क्वेश्चन है, पीयर ट्यूटरिंग शिक्षण तकनीकी का भाग नहीं है। आंसर है व्याख्यान देना। तीसरा क्वेश्चन है, यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष और वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। तो जब हम 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और 10 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 120। चौथा क्वेश्चन है, कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए कौन सी शिक्षण विधि सबसे अच्छी होगी। इसका आंसर है सृजनात्मक क्रियाकलाप। अगला क्वेश्चन है, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। इसका आंसर है समावेशित शिक्षा द्वारा। छठा क्वेश्चन है, आकलन का वह प्रकार जो कि विद्यार्थियों के अधिगम की प्रतिपुष्टि लेने तथा विद्यार्थियों की उपलब्धि एवं निर्देशात्मक तरीकों को बेहतर बनाने एवं विद्यार्थियों की कमजोरियों को दूर करने से संबंधित है, कहलाता है। इसका आंसर है रचनात्मक आकलन। दोस्तों, इसमें एक वर्ड आया है प्रतिपुष्टि। तो मैं आपको बता दूं, प्रतिपुष्टि का मतलब है फीडबैक। जैसे इंग्लिश में हम फीडबैक कहते हैं, उसे हिंदी में प्रतिपुष्टि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, संवेदी गत्यात्मक अवस्था में शिशु अपने वातावरण का अन्वेषण करते हैं। आंसर है संवेग एवं गत्यात्मक क्रिया द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 है, विकास की किस अवस्था को गैंग्स एज कहा जाता है। आंसर है बाल्यावस्था को। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को की 21वीं सदी के लिए शिक्षा संबंधी रिपोर्ट का शीर्षक था। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को की 21वीं सदी के लिए शिक्षा संबंधी रिपोर्ट का शीर्षक था। इसका आंसर है लर्निंग द ट्रेजर विद इन। क्वेश्चन नंबर 10 है, शिक्षा की प्रक्रिया का कौन सा उपागम अधिगमकर्ता को केंद्र में रखता है, ना कि शिक्षक को। तो इसका आंसर है सृजनात्मक उपागम। क्वेश्चन 11, किसने कहा है कि बच्चे संसार में लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ जन्म लेते हैं। इसका आंसर है नोम चोम्स्की। क्वेश्चन 12, CWSN बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक हेतु कौन सी बैठक व्यवस्था आदर्शवादी है। तो दोस्तों, पहले आपको बता दूं, CWSN का मतलब होता है चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स, यानी जिन बच्चों को स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, वो बच्चे, तो उनको बैठाने के लिए आदर्शवादी व्यवस्था होती है, गोलाकार बैठक व्यवस्था और यू आकार की बैठक व्यवस्था। क्वेश्चन 13, संप्रेषण कौशल में निहित है बोलना, सक्रिय रूप से सुनना, शारीरिक भाषा, लेखन। क्वेश्चन 14, मानव वृद्धि एवं विकास प्रभावित होता है वातावरण और वंशानुक्रम दोनों से। क्वेश्चन
क्वेश्चन 15 है, CWSN के लिए मुख्य शिक्षक तकनीकी है? इसका आंसर है सहयोगात्मक अधिगम और साथी समूह शिक्षण। क्वेश्चन 16, अभिप्रेरणा का परिणाम है लक्ष्य केंद्रित व्यवहार। क्वेश्चन 17, समावेशित विद्यालयों में बाल केंद्रित मूल्यांकन प्रणाली होनी चाहिए, लचीली, निरंतर और भागीदारी पूर्ण। क्वेश्चन 18, स्मृति की प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? तो इसका क्रम है ध्यान देना, कूटांकन, भंडारण और प्रत्यास्मरण। क्वेश्चन 19, ऐसे व्यक्ति जिनकी उच्च स्तरीय उपलब्धि आवश्यक होती है, वह जब बहुत कठिन कार्य का सामना करते हैं तो वह बहुत जल्दी उस कार्य को क्यों छोड़ देते हैं? इसका आंसर है उनमें उच्च श्रेणी की कार्य कुशलता की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन 12, पाठ्यचर्या को किन पक्षों में बांटकर निर्धारण किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर है संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक। क्वेश्चन 21, किस अवस्था में शिशु आत्म केंद्रित होता है? तो वह अवस्था है पूर्ण बाल्यावस्था। क्वेश्चन 22, संवेगात्मक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति की कौन सी मुख्य विशेषताएं हैं? ये विशेषताएं हैं उच्च क्षमता, सृजनात्मक एवं उच्च प्रतिबद्धता। क्वेश्चन 23, मास्लो का सिद्धांत आधारित है आवश्यकता पर। क्वेश्चन 24, किस अहम रक्षा युक्ति के अंतर्गत व्यक्ति अपने स्वयं के गुण दूसरों पर थोपते हैं? आंसर है प्रक्षेपण। क्वेश्चन 25, शिक्षण के दौरान बच्चे के कक्षा कक्ष व्यवहार के अध्ययन हेतु कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है? आंसर है अवलोकन। दोस्तों, अगला सेक्शन आता है भाषा का, और भाषा के अंतर्गत हम हिंदी को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, मुहावरे लोकोक्तियों के शिक्षण में आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? इसका आंसर है संदर्भानुसार मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोगों को समझना और उनका प्रयोग करना। दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा कथन सीखने के विषय में सही है? तो इसका आंसर है सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दो। पंक्तियां हैं, प्रभो हि चितये पुनि चितव महे महे राजत लोचन लोल खेलत मनसिज मीन जुग जन विद मंडल डोल। तो इसमें क्वेश्चन है, लोचन लोल का तात्पर्य है? आंसर है चंचल नेत्र। दूसरा क्वेश्चन है, नेत्रों के सौंदर्य वर्णन में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो आंसर है अनुप्रास। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा छंद प्रयुक्त है? दोहा। क्योंकि दोस्तों, दोहा छंद में पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, तो इसलिए यह है दोहा छंद है। अगला क्वेश्चन है, दी गई पंक्तियाँ किस भाषा में लिखी गई हैं? तो यह है पंक्तियाँ ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। दी गई पंक्तियों में प्रयुक्त मनसे शब्द का पर्याय निम्न नहीं है? आंसर है कृष्ण। व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? धन अ। दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है तुरंग, मृगेंद्र, मृगराज, व्याघ्र। दोस्तों, तुरंग का अर्थ होता है घोड़ा और मृगेंद्र, मृगराज और व्याघ्र का अर्थ होता है शेर, तो इसमें तुरंग शब्द भिन्न है। अगला क्वेश्चन है, अंतस्थ वर्ण हैं? आंसर है य, र, ल, व।
अनन्य आश्रित का अर्थ है एक दूसरे पर आश्रित होना। उद्दंत मार्तंड क्या है? उद्दंत मार्तंड एक समाचार पत्र का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्य यदि लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, यह कथन किसका है? यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। अगला क्वेश्चन है, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? तो इसका आंसर है उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। अगला क्वेश्चन है, भाषा का आरंभ किस से होता है? आंसर है ध्वनि से। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है शैक्षिक एवं सहशैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि रीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है, यह विकास के किस विशेषता को दर्शाता है? तो यह दर्शाता है इन दोनों की व्यक्तिक विभिन्नता को। दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के सही उत्तर दीजिए। नीचे गद्यांश दिया हुआ है, इसको रीड कर लेते हैं एक बार। शिक्षा को वैज्ञानिक और प्राविधिक मूलाधार देकर हमने जहाँ भौतिक परिवेश को पूर्णतया परिवर्तित कर दिया है और जीवन को अप्रत्याशित गतिशीलता दे दी है, वहाँ साहित्य कला धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर मानव विकास को एकांगी बना दिया है। पिछली शताब्दी में विकास के सूत्र प्रकृति के हाथ से निकलकर मनुष्य के हाथ में पहुंच गए हैं, विज्ञान के हाथ में पहुंच गए हैं, और इस बंद गली में पहुंचने का अर्थ मानव जाति का नाश भी हो सकता है। इसलिए नैतिक और आत्मिक मूल्यों को साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है जिससे विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर का हाथ ना बन जाए। व्यक्ति की क्षुद्रता यदि राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाती है तो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है। इस सत्य को प्रत्येक क्षण सामने रखकर ही अणु विस्फोट को मानव प्रेम और लोकहित की मर्यादा दे सकेंगे। अपरिसीम भौतिक शक्तियों का स्वामी मानव आज अपने व्यक्तित्व के प्रति आस्थावान नहीं है और प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संबंध में शंकाग्रस्त है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि उसका आत्मविश्वास लुप्त होता जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन है, आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता क्योंकि जीवन में आशातीत सफलता का समावेश नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन बनता है, मानव विकास के एकांगीपन के लिए उत्तरदायी है मनुष्य ने साहित्य कला धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर दिया है। विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर का हाथ बन सकता है क्योंकि नैतिक और आत्मिक मूल्यों का साथ साथ विकास नहीं हो रहा है। नेपथ्य का अर्थ है, इसका आंसर है रंगमंच के पीछे का स्थान। हिमालय से गंगा निकलती है, इसमें हमको बताना है कि कारक कौन सा है, तो इसमें कारक है अपादान कारक। कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है? वो शब्द है सुरेश। रजनी शब्द में कौन सी संधि है? रजनी शब्द में स्वर संधि है क्योंकि जब इसका संधि विच्छेद करते हैं तो इसकी संधि विच्छेद होती है रजनी प्लस ईश। यहाँ पे दोनों स्वर मिलके एक शब्द का निर्माण कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे स्वर संधि बनती है। हिंदी के प्रचार प्रसार की सर्वाधिक प्राचीन संस्था है नागरी प्रचारिणी सभा। वह कौन सा शब्द है जो प्राय बहुवचन में प्रयुक्त होता है? आंसर है प्राण। और दोस्तों ज्योत्सना शब्द की शुद्ध वर्तनी पूछी गई है, तो ज्योत्सना शब्द की शुद्ध वर्तनी इस प्रकार है।
अगला सेक्शन आता है पर्यावरणीय अध्ययन। इसमें पहला क्वेश्चन है, रबी की फसलें हैं, आंसर है चना और गेहूं। दोस्तों जो फसलें अक्टूबर से जनवरी के मध्य बोई जाती हैं वो सभी फसलें रबी की फसलें होती हैं। दूसरा क्वेश्चन है, पौधे को वायुमंडल का शुद्धिकारक कहा जाता है क्योंकि इसमें होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अंतर्गत पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अपने श्वसन में प्रयोग कर वायुमंडल में ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह को किस कार्य के लिए मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया? दोस्तों तरुण भारत संघ के संस्थापक राजेंद्र सिंह को जल संरक्षण के लिए एशिया का नोबेल कहा जाने वाला मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया है। राजेंद्र सिंह को जल पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस अधिकतम भूमंडलीय तापमान वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन 5 है, घरेलू मवेशी तथा पेड़ किस हरित गृह गैस के उत्पादन के लिए उत्तरदायी हैं? आंसर है मेथेन। दोस्तों घरेलू मवेशी तथा भेड़ मेथेन उत्पादन के लिए उत्तरदायी हैं। मवेशी के जुगाली करने की प्रक्रिया के अंतर्गत मेथेन का उत्सर्जन होता है। वनों के कटान के प्रमुख परिणाम हैं, वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास का विनाश, जल चक्र पर प्रभाव और मृदा अपरदन। अगला क्वेश्चन है, नदी मुहाना के लक्षण हैं, ताज़ा एवं खारा जल, समृद्ध जैव विविधता और अधिक उत्पादकता। क्वेश्चन 8 है, खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा कहलाती है जैव सांद्रण। क्वेश्चन 9, केदारनाथ अभयारण्य किसके लिए जाना जाता है? यह जाना जाता है कस्तूरी मृग के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस मृदा में जल धारण क्षमता अधिक होती है? तो यह क्षमता होती है सबसे अधिक चिकनी मिट्टी में। क्वेश्चन 11 है, भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है? डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन को। क्वेश्चन 12, बर्फ पर अंडे देने वाला पक्षी है पेंगुइन। आर्कटिक मरुस्थल किस का दूसरा नाम है? इसका आंसर है टुंड्रा। क्वेश्चन 14 है, मीसोजोइक युग कैसे प्राणियों का युग माना जाता है? आंसर है सरीसृप जीवों का। क्वेश्चन 15 है, चेर्नोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है? इसका आंसर है नाभिकीय दुर्घटना। दोस्तों 26 अप्रैल 1986 को तत्कालीन सोवियत संघ के यूक्रेन क्षेत्र में चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र में हुआ विस्फोट एक नाभिकीय दुर्घटना थी। क्वेश्चन 16 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण को प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य के रूप में पहचान कराता है? तो इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 51A में। क्वेश्चन 17 है, वन संरक्षण अधिनियम के अनुसार किसकी खेती गैर वन्य गतिविधि है? तो चाय, रबर और शहतूत की खेती गैर वन्य गतिविधि में आती है। क्वेश्चन 18 है, वायुमंडल का कौन सा भाग प्रकाश की परावैगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकता है? इसका आंसर है समताप मंडल। दोस्तों समताप मंडल में उपस्थित ओजोन सतह यह काम करती है। क्वेश्चन 19 है, भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? आंसर है अपारंपरिक नवीनीकृत। दोस्तों दो तरह के ऊर्जा स्रोत हैं, एक पारंपरिक और एक गैर पारंपरिक। पारंपरिक स्रोत वो हैं जो कि जिनके सीमित भंडार हैं जो एक न एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, जैसे कि कोयला, खनिज तेल आदि। लेकिन जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा ये नवीनीकृत स्रोत हैं जो कि कभी ख़त्म नहीं होते हैं।
अगला क्वेश्चन है, जल चक्र को नियंत्रित करता है वन। क्वेश्चन 21 है, खाद्य प्रकाश तथा स्थान के लिए अधिक संघर्ष होता है। तो यह संघर्ष होता है वहाँ पर जहाँ पर नज़दीकी संबंधित जातियों के मध्य जो एक ही स्थान में रह रही हों। क्वेश्चन 22 है, सभी बच्चों को पर्यावरणीय अध्ययन के शिक्षण और सीखने के लिए प्रत्येक शिक्षण कक्ष में आवश्यकताएं हैं। आयु उपयुक्त पाठ्यक्रम की, अनुकूल तथा धमकी रहित परिवेश की, स्कूल आधारित आकलन की और आख्या प्रस्तुत करने की। क्वेश्चन 23 है, पर्यावरण अध्ययन के सीखने के मुख्य प्रशिक्षण संकेतांक हैं। इसका आंसर है पर्यवेक्षण तथा रिपोर्टिंग, अभिव्यक्ति व्याख्या और वर्गीकरण, पूछताछ विश्लेषण और प्रयोग। क्वेश्चन 24 है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण हेतु आवश्यक नहीं है। आंसर है विज्ञान के आधारभूत प्रत्यय और सिद्धांतों को रट कर याद कर लेना। क्वेश्चन 25 है, पेड़ों की कटाई घटाती है वर्षा को। भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है गंगोत्री ग्लेशियर से। मिनी माता रोग प्रदूषित जनित रोग है जो परिणाम है। इसका आंसर है औद्योगिक पारा वेस्ट जो कि पानी में छोड़ दिया जाता है उसकी वजह से मिनी माता रोग होता है। और क्वेश्चन नंबर 28 है, इसमें कुछ अधिनियम दिए गए हैं और उनका पारित होने का सन पूछा गया है। तो वन संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था 1972 में, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1974 में, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम लागू हुआ था 1980 में और जीव सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ था 1986 में। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।